नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसा आप सबका हाल? आज हम जो एंजियोस्पर्म था डिवीजन, उसके आगे जो उसका दो सब डिवीजन है ना, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, मतलब मोनोकोट और डाइकोट, उससे आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल, आपके अपने चैनल फेयर कॉपी पे। आइए बिना वक्त जाए कि इसे डिस्कस करते हैं, और इससे कंप्लीट होते ही और अपना प्लांट का जो पादप जगत है वो कंप्लीट ही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या सब है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ वर्गीकरण एंजियोस्पर्म में का जो वर्गीकरण करते हैं, तो दो एक बीजपत्री दो बीजपत्री, मतलब एक मोनोकोटिलिडियंस और डायकोटिलिडियंस में, ठीक है, मोनोकोट और डायकोट में। तो देखिए इसमें दो डिवीजन है, दो वर्गों में हमने डिवाइड किया है, एक है मोनोकोट, दूसरा है डायकोट। समझ गए? मोनोकोट मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब बीजपत्र, नाम से लिखा है एक बीजपत्र, जिसका बीज लेंगे तो उसमें एक ही बीज, मतलब उसको खोल के दो भाग में आप ऐसे खोलेंगे जैसे चना को खोलते हैं या मूंगफली खाते होंगे, तो टाइम पास ट्रेन में बैठे बैठे खाते होंगे, तो उसको खोलते हैं कवर हटाते हैं तो दो निकलता है उसमें से, ऐसे ऐसे होगा, खोलेगा तो ऐसे निकल आता है, होता है चना को भी ऐसे खोल खुल जाता है। तो जिसमें इस तरह से दो खुल जाएगा वो होगा डायकोट, जिसमें नहीं खुलेगा सिर्फ एक, उसको तोड़ तोड़ दीजिए तो तोड़ दीजिए, उसमें एक ही बीजपत्र है, दो भाग में ऐसे नहीं खुलने वाला, वो क्या कहलाएगा, एक बीजपत्री। तो ये है एक बीजपत्री, ये है द्वि बीजपत्री। देखिए एक बीजपत्री में को हम एक बार डिस्कस करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस इसलिए नहीं किए क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, दोनों में अलग अलग कुछ चीजें हैं जो हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग। इसलिए देखिए एक बीजपत्री में क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऐसा एंजियोस्पर्म, ऐसा एंजियोस्पर्म जिसके बीजों में, जिसके बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वही है जड़े प्राय, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसकी जड़े प्राय कम विकसित होती है। देखिए आपने देखा है ना, अंबानी में ही दो भाई है, एक बड़ा वाला बहुत अमीर है, छोटा वाला की हालत खराब है, बिल्कुल ऐसा ही ये एक बीजपत्र छोटा वाला भाई है, एक बीजपत्र पता चलता है इसको कुछ कमी है, तो याद रखिए जो भी लैकिंग है सब यहीं पे होगा। तो क्या है, जो भी कमी है, जड़ कमी, इसकी जड़ें कम विकसित होगी, इसका संवहन मूल जो है, जो पानी को ले जाने वाला होता है कंडक्शन, उसमें कैम्बियम की कमी होगी, कैम्बियम अनुपस्थित होगा, कैम्बियम उसमें नहीं पाया जाएगा। और याद रखें संवहन मूल में कैम्बियम अब्सेंट होगा, और साथ ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, मतलब मोटापा, ज्यादा पेड़, ये मोटा मोटा ज्यादा पेड़ नहीं दिखा देख पाएंगे आप, इसका ज्यादा मोटा, इसका सेकेंडरी ग्रोथ फैलाव नहीं होता है पेड़ का ज्यादा। पुष्पीय भाग, इसके जो फूल देखेंगे, फूल तो होगा ही, लेकिन फूल में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि फूल में जो पंखुड़ी होती है या कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, वो हम लोग पुष्प में विभाग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए आप कि जो पुष्पीय भाग होते हैं, जैसे पंखुड़ी होता है, जैसे गुलाब की पत्तियां होती है ना, फूलों की पत्तियां, उसे देखिएगा वो तीन तीन के गुणांक में होंगे, या तो तीन होंगे या छह होंगे, नौ होंगे, 12 होंगे, तो तीन आप उसको तीन से डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड कंप्लीटली होगा, ठीक है, मतलब तीन के गुणांक में होगा, तीन का तीन, तीन तिया, सॉरी तीन का तीन, तीन दो छः, तीन तीन नौ, तीन चौ बारह, तीन पच्चीस पंद्रह, इस हिसाब से 3, 6, 9, 12, 15, इस हिसाब से इसके जो पुष्प के भाग होंगे वो होंगे, मतलब इसके इस गुणांक में होंगे, जो पुष्प के भाग क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, फूलों की जो पत्तियां होती है, गुलाब के फूलों की जो पत्तियां, पंखुड़ी जिसको कहते हैं वो, ठीक है, बड़ा कमाल है ना, फूल नाम होता है फूल सिंह, पंखुड़ी लड़कियों का नाम होता है, जबकि ये सब क्या है, पुष्प के जननांग है, ठीक है, नाम थोड़ा अच्छा रखिए, जननांग पे नाम रखना, चलिए कोई नहीं, आपकी अपनी मर्जी, इस पे कोई राता नहीं फैलाना है। देखिए पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके सपाट होते हैं, एकदम सपाट सपाट पत्ते मिलेंगे, केला का पत्ता तो एकदम सपाट होता है, वैसे ही सपाट होंगे, पतला होगा, और समांतर शिराएं वाले, शिराएं मतलब देखिए जैसे कि ये देखिए थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, अगर ये पत्ता है, ये जैसे कि सोचिए ये पत्ता है, तो इस प्रकार से ये जो शिराएं हैं इसमें जो भिनेशन है, जो वाटर फूड ये सब लेके जाने वाला है, तो उसमें ऐसे शिराएं मिलेंगे, ऐसे सीधे, केला का पत्ता में देखें ना, सीधा 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 सीधा, देखिए केला का पत्ता इस बार देखिएगा घर ऊपर कहीं मिले तो, इस प्रकार उस पर शिराएं आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगी, एकदम पैरेलल सीधा सीधा, ठीक है, वो देखते होंगे भिनेशन, एकदम जैसे हाथों की लकीर होती है वैसे पत्ते पे दिखता है ना, वही वो क्या होगा, एकदम पैरेलल सीधा सीधा होगा, ठीक है, और ये किसका है, मोनोकोट का, मोनोकोट के पत्ते को देख के पता लगा सकते हैं, इस तरह के जो पैरेलल वाला समांतर वाला मिलेगा वो मोनोकोट प्लांट होगा। इसमें 60,000 पादप प्रजाति है, कितनी प्रजातियां पाई जाएगी, 60,000 पादप प्रजातियां पाई जाएगी,
प्लांट की प्रजातियां पाई जाएगी। इसका एक सबसे मुख्य जो पादप है उसका नाम है ऑर्चिड, ऑर्किड या ऑर्चिड बोलते हैं, ऑर्किड बोलिए, तो ऑर्किड इसका एक मुख्य पादप है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, एक सेकंड में तुरंत आइए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्रेमिनी, ठीक है, ग्रेमिनी, ग्रेमिनी देखिए, हमने कुछ इसका कुल लिखा है और उसका पादप, हमने कुल इसलिए लिखा है क्योंकि कुल भी पूछ लेता है इसमें, ठीक है, कि ये किस कुल का है, इसलिए देखिए ग्रेमिनी कुल में, जैसे इसका एग्जाम्पल है गेहूं है, धान है, मक्का है, गन्ना है, ज्वार है, बाजरा है, बांस है, जौ है, जई है, ये सब एक कुल, मतलब किस कुल के होंगे, ये कुल है इनका ग्रेमिनी, क्या होगा ग्रेमिनी, ठीक है। फिर एक आता है लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज भी सब के सब क्या, देखिए एक बार समझिए, गेहूं धान मक्का गन्ना ज्वार बाजरा बांस जौ जई लहसुन प्याज नारियल तार सुपारी खजूर केला, ये सब के सब जो है मोनोकॉट है, क्या है? एक बीज पत्री के, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब इनमें से हमने कुछ का कुल लिख दिया कि कुल आपसे पूछ लेता है, तो हमने पहला कुल बतला दिया गेहूं धान मक्का गन्ना ज्वार बाजरा बांस जौ जई, इसका कुल क्या है ग्रेमिनी। अब एक दूसरा कुल आता है लिलेसी, और इसमें लहसुन और प्याज, ऐसे भी जानते हैं लोग कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, और लहसुन से लिलेसी, लीली के घर में लग गया एसी लिलेसी, ठीक है, तो लहसुन और प्याज किस में आएगा, लिलेसी में आएगा, ठीक है। अब है पालमी, ये भी एक कुल है, इसमें क्या आएगा नारियल तार सुपारी खजूर, देखिए नारियल तार सुपारी खजूर ये सब एक जैसा लगता है ना, इसका जो पेड़ है वो भी देख करके, तो पाम, पाम से याद रखिएगा, पाम ट्री कहते हैं ना खजूर को, पाम ट्री, या तो उसी पामी पालमी, पालमी उसे से याद रखिएगा, उसका जो कुल है पालमी कुल का है वो। और केला, अपना जो केला सबका, हम सबका फेवरेट होता है केला, खूब खाते हैं दबा के, तो केला किस में आएगा म्यूजेसी, किस फैमिली का, म्यूजेसी कुल का, म्यूजेसी कुल का कौन है केला। तो ये है ये कुल, और ये जो हमारे पादप हैं वो मोनोकॉट के अंतर्गत आ गए, डाइकॉट में ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए मैंने एक साथ नहीं लिखा क्योंकि हमें ये भी बतलाना था। देखिए इसके बीज जो है भ्रूणीय पत्तियों और बीज पत्रों में विभाजित होंगे, ठीक है, मतलब आप उसको ऐसे करके खोलिएगा ऐसे, हाँ ध्यान से देख देखिएगा, आप जब खोलिएगा ना तो ऐसे करके खुलेगा, बीच में ऐसे कुछ एक्सिस जैसा दिखेगा और दो भाग में ऐसे पत्ते दो भाग में खुल जाएगा, आपने चने को खोला होगा ऐसे करके खुलेगा, और बीच में हटाइएगा देखिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा कुछ पतला सा ऐसा रहता है जो दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं भ्रूणीय पत्तियों और बीज पत्रों में विभाजित होगा, ठीक है, बीज वाले को भ्रूणीय पत्ती कहते हैं। देखिए तो इस और इसमें कितने बीज पत्र होंगे, बीज पत्र दो बीज पत्र होंगे, बीज पत्र दो होंगे, ठीक है। अब देखिए जड़ जो होगा, इसके जो जड़ होंगे रूट सिस्टम जो होगा, जड़ तंत्र जो होगा वो बहुत विकसित होगा, मैंने बोला नहीं बड़ा वाला भाई है अंबानी का, तो ये इसका क्या होगा अत्यंत विकसित कैम्बियम होगा, हाँ भाई इसके जो संबंध मूल है उसमें कैम्बियम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ एकदम भर भर के करेगा, पुष्पीय भाग, एक चीज पुष्पीय भाग देखिए तीन तीन के गुणांक में था, ये चार या पांच के गुणांक में होगा, मतलब इसके अगर आप देखेंगे फूल को लेंगे और काउंट करेंगे या तो चार होगा या पांच होगा, उससे आगे बढ़ेगा तो या तो आठ होगा या दस होगा, ये नहीं होगा चार पांच के बाद छह हो जाएगा, नहीं या तो चार होगा या पांच होगा या फिर आठ होगा या दस होगा, उससे भी आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा या तो 12 होगा या 15 होगा, मतलब वो चार और पांच के गुणांक में, या तो चार का चार, चार दो आठ, चार तिया बारह, चार चौक 16, इस वाले गुणांक में होगा, या पांच, पांच का पांच, पांच दो दस, पांच तिया पंद्रह, पांच चौक 20, इस वाले गुणांक में होगा, समझ गए बात को। इसके पत्ते चौड़े चौड़े होंगे और रेटिकुलेटेड विनेशन, इनका जो विनेशन होगा विनेशन रेटिकुलेटेड, रेटिकुलेटेड मतलब देखिए मैं आपको दिखलाता हूं यहां इस प्रकार से होगा, अगर मान लीजिए ये पत्ता है, ठीक है ये क्या है पत्ता है, दिख रहा होगा सबको ये पत्ता है, तो ये तो एक सीधा सीधा गया होगा, लेकिन इसके बाद ऐसे ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, और यहां से निकला होगा ऐसे ऐसे, देखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा रेटिकुलेटेड विनेशन होगा,
ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें विनेशन देखने को मिलेगा। जैसे हाथों की लकीर होती है, इसका इस प्रकार से पत्ते को देखेगा गौर से तो साफ साफ दिखेगा विनेशन इस प्रकार जी। और ये पैरेलल पैरेलल मोनोकट में, ठीक है, तो कैसा होगा, रेटिकुलेटेड विनेशन होगा। इसकी 2 लाख प्रजाति है। कितनी प्रजाति है? 2 लाख से भी ज्यादा की प्रजाति है इसकी, ठीक है, इसकी प्रजातियां 2 लाख से भी ज्यादा है। एग्जाम्पल इसका देखें, देखिए एग्जाम्पल, गुलाब, मटर, आम, बीन्स, जितने दाल हैं सब, मूंगफली, ये सब के सब किस में आएंगे? इस द्वि बीज पत्री में आएंगे। तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है क्या चीज, एंजियोस्पर्म का डिवीजन भी कंप्लीट, हमारा एंजियोस्पर्म हो जाता है, पादप जगत हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जितना मैंने पढ़ाया है इसको बारीकी से आप अध्ययन कीजिए, यहाँ से यहाँ तक से जितना मैंने पढ़ाया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमसे मिलिए, मुखातिब होइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, लाइफ कोच अभिजीत नाम से हमारा पेज है, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और मुस्कुराते हुए शेयर कीजिए कि आप कुछ अच्छा शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें बार बार देखने के लिए, हमसे कुछ सीखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और देश अपना ही तो है। आप सभी का आभार, धन्यवाद।